हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं MarQ जो फ्लिपकार्ट की एक नई कंपनी है। तो उसका कुछ बजट फ्रेंडली टीवी का आज हम कंपेयर में लाए हैं। 32 इंच टीवी का, जिनका दाम थोड़ा सा कम ज़्यादा है, दोनों ही 32 इंच का और MarQ के ब्रांडिंग के साथ आता है। एक का दाम है 11,500 और दूसरा का है 9,500 रुपये। दोनों ही EMI में अवेलेबल है और इनका जो डिस्प्ले है दोनों ही HD रेडी क्वालिटी के, मतलब फुल HD नहीं है, ये आपका 720p डिस्प्ले का है। दोनों का डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले रेजुलेशन वो सेम है, लेकिन मेन डिफरेंसेस है जो 11,500 वाला है वो है आपका स्मार्ट टीवी, और जो आपका 9,500 वाला है वो नॉर्मल टीवी है, वो स्मार्ट टीवी नहीं है। और एक 2018 का मैन्युफैक्चर है, एक 2017 का मॉडल है। और बाकी जो कंपैरिजन है तो 11,500 वाला जो है मॉडल है वो आपका स्मार्ट है, तो ऑब्वियसली उसमें आपका बिल्ट इन वाईफाई मिलेगा, वाईफाई के टाइप 2.4 GHz का, और एक RJ45 का पोर्ट भी मिलता है आपको इंटरनेट से टीवी को जोड़ने के लिए। HDMI का पोर्ट मिल जाता है एक साइड में, और इसका एक साइड में रहता है और टू पीछे में रहता है, दो पीछे में, और नॉर्मल जो आपका स्मार्ट टीवी नहीं है उसका दो मिलता है रियर साइड में। और ब्राइटनेस की मामले में बात करें तो ब्राइटनेस जो है 11,500 वाला का थोड़ा सा कम है, और ये 9,500 का ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इसका मतलब 9,500 का LED का बैकलाइट जो है थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करी जाए तो 11,500 में जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिया गया है वो एवरेज का है, मतलब जो आपका जो है पिक्चर की क्वालिटी कलर जो है एक्यूरेट दे सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो 9,500 वाला है उसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपको ब्लैक जो है कलर है, ब्लैक कलर तो उसमें थोड़ा सा वाइटनेस दिखने को मिलेगा। व्यूइंग एंगल जो है, व्यूइंग एंगल दोनों का लगभग सेम है, 2 डिग्री का डिफरेंस है, तो इस मामले में 9,500 का जो मॉडल है उसका व्यूइंग एंगल 2 डिग्री का डिफरेंस है, वो ज़्यादा कुछ नहीं है, लगभग सेम ही है। पैनल टाइप जो है A+ ग्रेड का पैनल दिया गया है 11,500 में, और 0 डॉट पैनल दिया गया है 9,500 में। 9,500 का जो है ब्रेजल्स आपको थोड़ा कम मिलेगा, और ए ग्रेड पैनल जो इसमें ब्रेजल्स थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसमें 5 टाइम पिक्चर्स मोड्स का यूज़ किया गया है 11,500 के अंदर। बॉक्स टाइप स्पीकर दोनों में मिलता है, स्पीकर आउटपुट का जो है थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे 11,500 का। यहाँ पे 11,500 में आपको 20 वॉट का स्पीकर का आउटपुट मिलता है, जहाँ पे 9,500 में 16 वॉट का मिलता है। तो जाहिर सी बात है तो 11,500 वाला थोड़ा सा ज़्यादा साउंड देगा कंपेयर टू 9,500। बाकी अगर करंट कंजंक्शन की बात करें, बिजली कंजंक्शन की बात करें तो थोड़ा सा कम है ये स्मार्ट टीवी, जो एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी है, मतलब 11,500 का वो थोड़ा सा कम वाटेज लेता है, 10 वाट कम कंज्यूम करते हैं, जहाँ पे आपका यहाँ 9,500 वाला जो है उसको थोड़ा सा ज़्यादा वाटेज लेगा। इसका कारण यह है, इसका जो ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका बैकलाइट का जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो बैलेंस है वो उतना भी एक्यूरेट नहीं है, तो इस कारण से ना इसका वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो है आपका बैकलाइट का जो बैकलाइट LED है वो थोड़ा ज़ोर से जलता है कंपेयर टू 11,500 का। तो बस यही है। और एक बात जो है, ये आपका स्मार्ट टीवी है तो इसमें डुअल कोर का एक प्रोसेसर मिलेगा, आपका 750 MB का रैम मिलेगा और 500 MB का एक आपको स्टोरेज भी मिलेगा, हालांकि आप इसमें अलग से स्टोरेज लगा सकते हैं।
तो एंड में बात यही आती है, तो आप कौन सा वाला लेंगे, क्या लेंगे, देखिए वो आपके हिसाब से। अगर आप स्मार्ट टीवी एक लेना चाहते हैं, स्मार्ट काम आपको करने हैं, वाईफाई से फ़ोन को कनेक्ट करना है हो गया, या आप थोड़ा सा नेटफ्लिक्स कर लिए या यूट्यूब चला लिए टीवी पे, अगर ये सब काम के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत ही सस्ता प्राइस भी रखा गया है इसमें, 11,500 का 32 इंच का टीवी है, ये आप ले सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन काम आपको नहीं है, नॉर्मल टीवी की तरह यूज़ करेंगे, तो आप ऑब्वियसली 9,500 का ले सकते हैं। दोनों का पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल करीब करीब सेम ही है, 9,500 में कॉन्ट्रास्ट रेशियो का बैलेंस थोड़ा सा कम ज़्यादा है, तो इसमें हो सकता है आपका जो ब्लैक है थोड़ा सा अनफिनिश्ड लगे, अनपॉलिश लगे, बाकी सब कुछ सेम ही है, थोड़ा सा साउंड आउटपुट थोड़ा सा कम है, बाकी सेम ही है। अगर आप मतलब इंटरनेट नहीं चलाना चाहते हैं टीवी पे, नॉर्मल टीवी रहे, तो आप 9,500 वाला ले सकते हैं, नहीं तो 11,500 इस प्राइस में सबसे अच्छा स्मार्ट टीवी हिसाब से तो यही आता है 32 इंच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप दोस्त के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।